न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झुमरी तलैया के सीएच हाई स्कूल मैदान में झारखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के निर्देश पर कोडरमा जिला फुटबॉल एसोसिएशन तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मैच कोडरमा बनाम ग्रीडी के बीच खेला गया। 35-35 मिनट के रोमांचक मैच में दोनों टीमें बराबर रहीं। अंत में पेनाल्टी शूट आउट में कोडरमा की टीम 3-2 से विजय हासिल किया। इसके पूर्व मैच के पहले दिन के मुख्य अतिथि कोडरमा पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। मैच के शुभारंभ में चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद के बच्चों द्वारा मनमोहक बैंड व परेड किया। टूर्नामेंट में बेहतर खेल प्रदर्शन करने वाले कोडरमा टीम के गोलकीपर राहुल कुमार को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरशद खान, टूर्नामेंट के चेयरमैन राजेंद्र जायसवाल, मनोज कुमार उफ गुड्डू, डॉक्टर नीरज चहा, सुरेंद्र यादव, संजय सिंह, संदीप सिन्हा, भारत बख्शी, पिंटू शुक्ला, मनोज सहाय, पिंकू दिनेश सिंह, उपेंद्र सिंह, भारत भूषण, जिला टीम मैनेजर धीरज कुमार, राजू यादव, आलोक पांडे, राजू यादव, दानिश हसन, रोहित कुमार रघु, सोनू कुमार, मोहम्मद हुसैन अली, तौफीक हुसैन, धीरज पांडे, मोहम्मद इसराइल आदि मौजूद थे। मैच में ऑब्जर्वर की भूमिका सुधीर मिश्रा व निर्णायक बी एन राय, परमेश्वर गोप व छोटू दास व चतुर्थ निर्णायक नागेश्वर राणा ने निभाई।